नमस्कार, इजी लर्निंग इंडिया में आपका SET सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट SET 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। SET 2022 के लिए जो एग्जाम है वो 14 मई 2022 को कंडक्ट किया जाएगा और SET के थ्रू चार कोर्सेज में एडमिशन होता है। एक होता है BBA जो मैनेजमेंट का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, एक है BCA जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स है, और ज्यादातर BCA वो बच्चे करते हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड से, बिकॉज वो BTech नहीं कर पाते तो कंप्यूटर लाइन की फील्ड में नहीं आ पाते, सो वो BCA करते हैं। देन होटल मैनेजमेंट और BGMC जर्नलिज्म। इन चार कैटेगरीज के लिए जो है वो SET जर्नल बोलते हैं इसको, सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट जर्नल। SET हाइलाइट्स, अब मैं एग्जाम की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। SET की फॉर्म होती है सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। सिंबायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट कराती है। यह एक नेशनल लेवल एग्जाम है, साल में एक बार होता है ये एग्जाम। एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन है और आपका एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म भी जो फॉर्म है वो भी ऑनलाइन मोड से ही फिल किया जाता है। सिलेबस जो है वो चार मेजर सेक्शंस होते हैं इसमें, जर्नल, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जर्नल अवेयरनेस। एग्जाम पैटर्न जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, और एक क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश में एग्जाम होता है, एप्लीकेशन फीस है 1750 इसकी एप्लीकेशन फीस है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 760 टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल कॉलेजेस हैं 8 और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो कोर्स ऑफर होते हैं इस एग्जाम के थ्रू वो है BBA, BCA, BA, मास कम्युनिकेशन जिसको हम जर्नलिज्म बोलते हैं, लिबरल, BA लिबरल आर्ट एंड इकोनॉमिक ऑनर्स। 80 शहरों में ये एग्जाम कराया जाता है और इसके एग्जाम डेट है 14 मई 2022। ऑफिशियल साइट जो है आप फिल कर सकते हैं SETtest.org। इंपॉर्टेंट डेट फॉर SET सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 25 जैन को, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 24 अप्रैल 2022 एंड एडमिट कार्ड जो है वो आपके इशू हो जाएंगे 29 अप्रैल 2022 से, और एग्जाम डेट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 14 मई को ये एग्जाम होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है 20 मई 2022। देखिए, ये डेट जो है वो अभी तो फिक्स है लेकिन टेंटेटिव हो सकती है, क्या पता रिजल्ट जो है वो लास्ट वीक ऑफ मई में आए। सो आप मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ मई तक जो है वो पक्का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे तो डेट अनाउंस हो चुकी है लेकिन फॉर 1% अपने माइंड में ये भी रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SET, SET के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जनरल और SC ST कैटेगरी के लिए अलग अलग है। तो जर्नल के लिए जो है वो है 50% मिनिमम मार्क्स इन क्लास 12th एंड SC and ST के लिए है 45% मिनिमम मार्क्स इन क्लास 12th। तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, आप जो है 50% या 45% तो इजिली स्कोर कर सकते हैं। सो माइंड में ये रखिए कि आपको बोर्ड में भी अच्छे स्कोर करने हैं एंड साइमल्टेनियसली आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है फॉर सिंबायोसिस एडमिशन टेस्ट के लिए, या इसको हम बोलते हैं सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। एडमिशन प्रोसेस फॉर SET, तो SET के लिए एडमिशन प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस तो यही है कि आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, सेकंड प्रोसेस ये है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा, देन आपका एक स्कोर आएगा SET स्कोर, देन फोर्थ स्टेप है आपको PI एंड WAT देना पड़ता है। PI की होता है पर्सनल इंटरव्यू एंड WAT की फॉर्म होती है रिटन एडमिशन टेस्ट। देखिए, जो ये देने के बाद जो आपका टोटल मार्क्स होते हैं या फिर आपका जो टोटल प्रोसेस है, जैसे आपके स्कोर, SET का स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू के स्कोर एंड WAT के स्कोर, तीनों को कंबाइन करके आपकी एक रैंक निकाली जाती है और उस रैंक के आधार पर आपको एडमिशन लेटर रिसीव होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। SET एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, सो अब मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और सिलेबस क्या है। देखिए, 60 मार्क्स का ही पेपर होता है और 60 ही क्वेश्चन आते हैं, सो वन क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, चार सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 16 क्वेश्चन होते हैं और 16 ही मार्क्स का सेक्शन होता है। ये मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड, DI, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सिस्टम, एलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन एक्सेट्रा। ये आपके मेजर जो है वो मैथ्स के टॉपिक्स। मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि 60 मार्क्स का ये पेपर होता है और 1 घंटे का होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो अब हम सेक्शन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 जो है उसे हम बोलते हैं जर्नल इंग्लिश। इसमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, आइटम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स एक्सेट्रा। तो ये आपके सारे इंग्लिश के मेजर टॉपिक्स हो गए। थर्ड सेक्शन इज अबाउट द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के भी 16 क्वेश्चन होते हैं और 16 मार्क्स
मार्क्स का होता है, तो वन क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स। जनरल नॉलेज में आते हैं करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड्स एक्सेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे आखिरी सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आते हैं, तो अभी तक 48 क्वेश्चन आ चुके हैं, 16 16 16, इसमें आते हैं 12, और इसी तरीके से 60 क्वेश्चन टोटल इसमें होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आता है सिलोजिज्म, रीडिंग अरेंजमेंट, एज, पजल, क्लॉक एंड टाइम एक्सेट्रा। तो ये 12 क्वेश्चन एंड 12 मार्क्स का आता है रीजनिंग। तो टोटल वी हैव 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 1 आवर एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर SAT। आपको सबसे ज्यादा जो अपना टाइम देना है वो दो सेक्शंस के ऊपर देना है, वो है GK, देन योर इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग, या लॉजिकल रीजनिंग को ज्यादा टाइम देना है, फिर इंग्लिश, और सबसे कम टाइम जो देना है आपको वो देना है मैथ्स को, बिकॉज उसकी सबसे कम वेटेज होती है। तो जो GK है उसके अंदर आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स के लिए बच्चे आप हमारी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं easylearningindia.com, उस पे पूरे पिछले 1.5-2 साल की करंट अफेयर अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के बाद है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आप क्लास 10th की जो बेसिक लेवल की ज्योग्राफी है आप वहां तक पढ़ाई कर सकते हैं। तो और अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में जानना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, हम उसमें ज्योग्राफिकल फैक्ट डालते रहते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट रिवर, हाईएस्ट माउंटेन्स, इन सब के बारे में हम जो है वो अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालते रहते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा भी यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। फिर है साइंस। साइंस भी जो है वो बेसिक 10th लेवल तक आती है, तो आप NCERT बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं GK के अंदर वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब है सेकंड है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको फर्स्ट तो हिंदू पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर। हिंदू पढ़ने के दो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी ग्रामर है वो स्ट्रांग होगी, सेकंडली आपकी जो करंट अफेयर है वो भी स्ट्रांग होगी। So, उसमें एक पंथ दो काज है एक तरीके से। इंग्लिश के लिए आपको जो बुक है द वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये आपको पढ़ना पड़ेगी। तो इसमें अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, इससे आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और जो इंग्लिश के टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं, जो आज के जो करंट सिनेरियो, जैसे कोविड है, जैसे यूक्रेन रशिया का इशू है, एक्सेट्रा, कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इशू है, जैसे इलेक्शन है, तो इसके ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आप उसको पढ़ के आपको आंसर देने पड़ते हैं। फिर इसमें क्लोज टेस्ट होता है, फिर वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सो ये सभी जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर। फोर्थ, लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सिलोजिज्म, पजल, फिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, एज, ब्लड रिलेशन, सीरीज, मिसिंग नंबर, तो ये सभी मेजर जो है वो आपके टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग की जो वेटेज है वो थोड़ी कम होती है, सो लेकिन इतनी भी कम नहीं होती कि आप छोड़ सकते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको इसको करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी और आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया तो आप एकदम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप GK देखिए, GK बहुत वास्ट है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, तो वो सभी टॉपिक्स हम कवर कराते हैं अपनी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस में। सो आप जो है वो हमारा इजी लर्निंग इंडिया का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथ्स का जो वेटेज सबसे कम होती है, इसके अंदर आपके वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, DI, ये सभी आपके जो है वो मेजर टॉपिक्स हैं। सो आप मैथ्स के जो टॉपिक है वो RS अग्रवाल से पढ़ सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। लेकिन अगर आपको मैथ्स के ट्रिक चाहिए, टिप्स चाहिए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि बिकॉज 15 मार्क्स आपके हाथ में है, ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के 15 मार्क्स हाथ में, बिकॉज अगर आपने एक बार टॉपिक कर लिया, एक बार टॉपिक पे आपने अगर पकड़ बना ली, तो फिर आप इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो लेकिन GK में थोड़ा वास्ट है, सो बच्चे इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। सो ये मैंने आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं या किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। आपको 2 घंटे दिन में निकालने पड़ेंगे, 1.5 से 2 घंटे। जैसे कभी आपने GK रिवाइज कर ली, कभी आपने मैथ्स रिवाइज कर लिया, कभी लॉजिकल रीजनिंग रिवाइज कर लिया, सो ये आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। फिर आपको एक प्रॉपर स्लीप चाहिए, 7-8 घंटे चाहिए। जितना हो सके इंटरनेट से डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट भी चला रहे हैं तो YouTube चला रहे हैं, Instagram चला रहे हैं, तो आप ऐसे पेजों को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे Easy Learning India को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube चैनल पे, ऐसे ही आप ऐसे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जहां से आपको करंट अफेयर की अच्छी नॉलेज मिले, ऐसे Instagram पे, तो आपका जो इकोसिस्टम है वो सारा ऐसा बन जाएगा कि आप हमेशा एग्जाम के तरफ जो है अपनी प्रिपरेशन बढ़ाते रहेंगे। फिर अपने नोट्स को प्रॉपर रखिए, जो आपको रिवाइज करने हैं लास्ट के 15 दिन में। तो जो नोट्स हैं आपके, जो हम आपको पढ़ाएंगे, वो नोट्स
तो आपको लिखने ही है, साथ में आपने हिंदू से कोई ऐसी करंट अफेयर के नोट्स हैं सो वो आपको बना लेने हैं। सो बच्चे ये सभी मिला के एक आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। बच्चों मैंने आपको SCT सिंबायोसिस एंट्रेंस टेस्ट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दी है, आई हैव गिवन यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमारी वेबसाइट इजी लर्निंग इंडिया के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए इजी लर्निंग इंडिया आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, करियर काउंसलिंग, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास नोट्स, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करनी है उसका दाम सिर्फ ओनली एंड ओनली 499 रुपीज का है, 500 रुपए से भी कम में हमारी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज का जो दाम है वो एक पिज्जा से भी कम है, 2-3 बर्गर से भी कम है, एक टी शर्ट से भी कम है, जो एक ब्रांडेड टी शर्ट से भी कम है। लेकिन आप अगर हमारी टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो आप अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपने ये एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया तो आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो वहां से आपको अच्छी कंपनीज मिलेंगी, और अच्छी कंपनी मिलेगी तो अच्छा पैकेज मिलेगा आपको। सो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा आपकी लाइफ के लिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज के साथ आप हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास का भी जो कोर्स है वो भी खरीद सकते हैं। हमारी ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस में आपको पूरा एक स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, आपको एक पूरा स्टडी प्लान दिया जाएगा, आपको बुक्स दी जाएंगी, आपको क्लास नोट्स दी जाएंगे, आपको मेल पे सब कुछ भेजा जाएगा, और उसके अलावा बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। एंड अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ई बुक्स भी मिलेंगी। हर क्लास से पहले आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको करियर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। बिकॉज अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप कॉलेज काउंसलिंग में फंस गए कि आपको प्रेफरेंस ही नहीं पता कि कौन से कॉलेज में जाना है कौन से कॉलेज में नहीं जाना है, सो आपकी जो हेल्प है वो हमारे इस जो ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास जो प्रोग्राम है जिसका जो दाम है सिर्फ 999 रुपीज का है, 9,999 रुपए का हमारा जो दाम है वो सबसे कम है एजुकेशन इंडस्ट्री में। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, उसके बाद आप हमारा ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लास जो है वो परचेज कर सकते हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज कभी अगर परचेज करते हैं जिसका जो दाम है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 499 रुपीज का, तो आप ये नहीं है सिर्फ आप SCT के आप मॉक टेस्ट देंगे, चाहे आप IP यूनिवर्सिटी, DU, सिम्बायोसिस, जेवियर, साउथ में जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके अंडर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम, चाहे BBA, लॉ, BCA, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, डिजाइन एसेट्रा, कोई भी जो आपका प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम है वो आप क्रैक कर सकते हैं आप हमारी ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस लेके और आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज करके। प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। बच्चे देखिए एक चीज और, हमारे जो बैचेस हैं क्रैश कोर्स के वो 12th February से स्टार्टेड हैं। हर वीक के मंडे को, हर वीक जो स्टार्ट होता है उसके मंडे को हमारे न्यू बैचेस शुरू होते हैं। सो आप जो है वो जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, बिकॉज जितने जल्दी आप इनरोल करेंगे उतने ज्यादा आप सिलेबस कवर कर पाएंगे और आपको उतना ही टाइम मिलेगा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और जैसे ही आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे फिर हमारे जो बैचेस है वो सुबह शाम दोनों टाइम चलते हैं, आप जो है वो इनरोल करके अपना भविष्य बना सकते हैं। सो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। आप अगर इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं जो नंबर नीचे गिवन है 8700807705, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने आप को इन बैचेस के लिए इनरोल कर सकते हैं या फिर फ्री ट्रायल क्लासेस भी ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो क्लास 12th 11th या उनके पेरेंट्स तक जिनका एक अच्छा भविष्य बन सके। तो प्लीज हिट दी बेल आइकन एंड ऑल्सो कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो किसके लिए चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। We'll be right back.